बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज सुबह सुबह मैंने सबको खोल के और सबको सबसे पहले जो है ना दाना पानी दे दिया। सबने अपना दाना पानी कर लिया, उसके बाद में ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग की है। गंद कचरा यहाँ पे असल में काफ़ी हो गया है, अंदर मैंने नोट किया है। यहाँ पर रात को जो है ना मैंने बॉब लूना मार्क को बंद किया नहीं था, वो यहीं पर बैठे हुए थे, तो काफ़ी गंद कर दिया। ये सफ़ाई होने वाली है, ये सफ़ाई आज करेंगे इंशाल्लाह। और यार हमारी डव जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नेस्ट बनाना शुरू हो गई है। ये देखें, एक तो ये नेस्ट बना हुआ है जिसमें अंडे आए थे पहले, एक उसके उस तरफ जो डव बैठी हुई है अभी भी नेस्ट की सेटिंग कर रही है माशाल्लाह। ये दो नेस्ट ये हो गए, तीसरा ये सामने लाल डव जो है ना, रेड डव बैठी हुई है लाल वाले नेस्ट में, तो यहाँ भी मेरे ख्याल से अंडे आ चुके हैं। और एक ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना काफ़ी डव्स ने अपने अपने नेस्ट बना लिए, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रीड आने वाली है हमारे पास। और आपको पता ही है हमारे जो खूबसूरत पिजन है, इन्होंने भी दोनों पैर ने जो है ना अंडे दे दिए हैं, तो यहाँ भी हमारे पास खूबसूरत बच्चे आने वाले हैं इंशाल्लाह। और हमारे तीतर की अपडेट मैंने आपको नहीं दी थी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये देखें बिल्कुल सही से चल रहा है, अभी थोड़ा सा इसके पैर में फ़र्क है, लेकिन ये जो पैर इसका बिल्कुल एक्सपायर हो गया था ना, बिल्कुल सुन्न हो गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका है। ये अब बिल्कुल सही से चल रहा है और ये बोलना भी स्टार्ट हो गया, अभी शाम के टाइम पे बोलता भी है। यार ये प्यारे गैंग के कुछ मेंबर जो इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो इनके लिए दाना डाल देते हैं यहाँ पर। अभी थोड़ा सा दाना बचा हुआ था, और दाना रखा हुआ है वो मैं लेकर आऊँगा अपने पिजन्स के लिए। ये फ़िलहाल ये प्यारे गैंग खा लेंगे आराम से, ये ऊपर बैठे हुए हैं, अभी आ रहे थे नीचे, दाना नहीं था तो परेशान हो रहे थे, तो अभी दाना डाल दिया, खा लेंगे सुकून से। तो यार मेरा एक यहाँ पे पार्सल आया हुआ है, एक बर्ड आया हुआ है, मुझे कॉल आ गई थी कि आके रिसीव कर लो, तो अभी रिसीव करता हूँ। एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, रिसीव करके आपको दिखाता हूँ। तो यार यहाँ पर आया हुआ है हमारा पार्सल, तो यार यहाँ पर मौजूद नहीं था, अभी आगे भेजा है, आगे जाके देखते हैं कि वहाँ पर है या नहीं है। अदीम भाई बस मिल जाए, मैं तो बस एक्साइटेड हूँ कि मिल जाए, क्योंकि मैंने एक ये एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे नहीं था कि पहुँच जाएगा पार्सल, लेकिन अभी पहुँच चुका है, तो देखते हैं। यार पार्सल इतना दूर रखा हुआ है, इतनी सुबह सुबह जो है ना इतनी वॉक हो गई है हमारी, इतना दूर है अभी भी वो सामने देखें, इतना दूर हमें जाना है। तो यार अब पहुँचे यहाँ पर, हमारा पार्सल आया हुआ है, तो अभी देखते हैं यहाँ पर। तो यार फाइनली हमें जो है ना पार्सल रिसीव हो चुका है, ये अजीम भाई के हाथ में पार्सल, ये मैं सेटअप पे जाके आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी मैंने भी नहीं देखा, मैं भी देखूंगा सेटअप पे जाके और आपको भी दिखाऊंगा, और अजीम भाई ने भी नहीं देखा। अजीम भाई सेटअप पे चल के देखते हैं। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटअप पे पहुंच चुके हैं, अपना पार्सल लेके, अपना जो नया बर्ड आया है सरप्राइज़ वो हम लेकर आ चुके हैं सेटअप पे। लेकर आओ भाई लेकर आओ, ये हमारे बर्ड्स आ गए, इसको मुर्गी को निकालो। तरीके से खोलना पड़ेगा, उड़ ना जाए। उड़ते भी हैं, उड़ते भी हैं ये। हाँ भाई दोनों ठीक हैं, इस केज की तरफ करो अंदर। तो यार फाइनली हमारा सरप्राइज रिवील होने वाला है, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये रही फीमेल और ये रहा मेल। माशाल्लाह यार कितने प्यारे, ये रस्सी कहाँ पाऊँ में फंसा ली इसने। निकल गई निकल, प्यारा है लेकिन डेंजर फेस इसका जो है ना खतरनाक है। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा पार्सल जो है पहुँच चुका है, और रिवील भी हो चुका है कि हमने क्या लिया है। हमने लिया है सुरखाब, जिसको फीजेंट भी कहते हैं, तो फीजेंट हमारा पहुँच चुका है, ये मुल्तान से हमने मंगवाए हैं कार्गो के, कल कार्गो हो गए थे, आज पहुँचे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पहुँच गए हैं दोनों, मेल फीमेल, और एक्टिव हैं ज़बरदस्त। बस अभी इनको दाना पानी देते हैं थोड़ी देर में। यार इनके काम देखें, इसको ऊपर जाना है अंडा देने के लिए, एक ऑलरेडी ऊपर बैठी हुई है वो देखें, एक यहाँ पे ऑलरेडी बैठी हुई है पहले ही अंडा देने के लिए, और इसको भी ऊपर जाना है अंडा देने के लिए। इन लोगों ने पता नहीं ये जगह सेलेक्ट कर लिए क्यों, तो अभी ये जाएगी वो अंडा दे के आएगी, फिर ये जाएगी। तो यार आज चिल्ली मिली को छोटे केज में रहना पड़ेगा। चिल्ली मिली
भाई माजरत, आज छोटे केज में रहना पड़ेगा। आज जो है ना सुरखाब आ चुके हैं आप लोगों के केज में, तो आज छोटे केज में रहो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं इंशाल्लाह। रैबिट्स को लूसन मिल चुका है, ये मज़े से खा रहे हैं अपना लूसन। तो यार अभी इसको दाना रखने लगे हैं अपने सुरखाब को, मुझे नहीं पता ये कौन सा दाना खाते हैं, तो अभी फ़िलहाल दाना रख देते हैं, देखते हैं ये दाना खाते हैं। पानी भी दे देते हैं थोड़ी देर में। हाँ यार खा रहा है, खा रहा है। यार इनके काम चेक करें, ये दाने वाले पोट में अंडा दे दिया। यार अजीम भाई, ये कल शाम को दिया था उन्होंने, कल शाम को दिया, लेकिन अब दाना किस में दें? ये दाने वाले पोट में भी अंडा दे देते हैं, हालांकि इतने बॉक्स रखे हुए हैं वहाँ अंडा नहीं देते ये। यार ये कबूतर भी हमारे जो है ना अजीब है, जहाँ आता है वहाँ अंडा दे देते हैं, दाने वाले पोट में जहाँ हम दाना देते हैं वहाँ पर अंडा दे के बैठे हैं। अब दाना कहाँ पर दे इनको, हालांकि इतने सारे बॉक्सेज हैं वहाँ पे अंडा दे सकते हैं, लेकिन उनको यहीं अंडा देना था, अब ये अंडा ज़ाया हो जाएगा। यार ये एक कबूतर बाहर निकल गया। यार अजीम भाई ये एक बाहर निकल गया, ये बाहर गया ना तो वापसी अंदर नहीं आ पाएगा। रोको उनको भी, वो भी निकल रहे। चलो चलो अंदर जाओ, शाबाश, दरवाज़ा बंद करो। सही है, अभी राजा मिलने आया है अपने सुरखाब से। हाँ भाई राजा, क्या चीज़ आई है, हैरान है ये। बस आज का दिन सिर्फ यहाँ पे रहना है, बाकी फिर टेंशन नहीं लेनी, अपने पुराने घर में चले जाओगे। तो यार फ़िलहाल सुरखाब को जो है ना बॉबलूना मार्क के केज में बिठाया, जिसमें चिल्ली मिली भी दिन के टाइम में बैठते हैं, तो ये केज जो है ना फ़िलहाल इनके हवाले किया है। जैसे हम एक और केज भी बना रहे हैं कबूतर के लिए, बाहर केज बनाना है, तो हो सकता है वहाँ पे हम सुरखाब बिठा लें। हमने सोचा था कबूतर के लिए, लेकिन अब सुरखाब आ गए, इनको भी केज चाहिए, तो हो सकता है सुरखाब को हम वहाँ पर बिठा दें। काफ़ी बड़ा केज हम बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, हाँ इसे मार्क बुलाने आया है, उसको भूख लगी हुई है। चलो 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 चलो, आ गया खाना, आ गया तुम्हारा, चलो चलो। वे काटो नहीं बदतमीज, ये देखो, आ जाओ आ जाओ यहाँ पे खाओ। पहली बार सामने देखे, कैसे हैं, खूबसूरत है ना? बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हमारे सेटअप पे जो है ना न्यू एंट्री हुई है, सुरखाब भी आ गए। फिर आज का दिन जो है ना इनको यहाँ रहना पड़ेगा, फिर नए केज में इंशाल्लाह शिफ्ट कर देंगे, नया केज कोई बना देंगे इनके लिए। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।